ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान भूत भावन मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से देवी पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ की नगरी अमरावती में पहुंचे। बहुत सुंदर थी, सभी सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के महाराज द्वारा बनाया बड़ा ही सुंदर शिव मंदिर था। भगवान शिव पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद की इच्छा से बोली, महाराज हम दोनों चलो चौसर खेलने। शिव जी ने बात मान लिया और खेलने लगे। उसी समय पुजारी ब्राह्मण मंदिर में आया। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी बताओ हम दोनों में कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल पड़ा, महादेव के अतिरिक्त और कौन जीत सकता है। पार्वती माता अंततः जीत गई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप दे दिया। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया लेकिन कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ दिन बाद पार्वती जी के श्राप से पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए बहुत दिन गुजर गए। तब एक दिन देवलोक से अप्सराएं उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई, कारण पूछा। पुजारी ने सब बात बता दी। भगवान शिव बोली कि तुम्हारे सब कष्ट को दूर करेंगे, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने बताया, सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या उपासना के बाद आधा सिर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो, घी गुड़ दीप नैवेद्य फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में देवादिदेव शिव की उपासना पूजा करो। 3 भागों में 1 शिव को अर्पण करो, बाकी 2 प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करो। 17वें सोमवार को पावसेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करो, शिव जी की कृपा से सब कामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं चली गईं। ब्राह्मण ने उसी विधि से भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत किया। शिव की कृपा से मुक्ति रोग से मिल गई और बड़ा खुश रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव और पार्वती उसी मंदिर में आए। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माँ ने पूछा कि कैसे तुम्हारा रोग नष्ट हुआ। उसने 16 सोमवार व्रत की कथा बताई। पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से विधि पूछी और स्वयं व्रत करने लगी। मनोकामना पूरी हुई। उनका रूठा पुत्र कार्तिकेय माता से प्रेम करने लगा। कार्तिकेय जी को अपने मन का विचार देखकर पूछा, माँ ये कैसे हो गया। कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। कार्तिकेय ने कहा, मैं भी व्रत करूँगा। मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है, उससे बड़े मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया, उनका प्यारा मित्र मिला। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन के भेद का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को अपना विवाह सोचकर बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्य से विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में हथनी माला डालेगी उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी गया, एक और बैठ गया। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला पहना दी। अब तो प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने उसी के साथ अपना पुत्री का विवाह किया, बहुत सा धन देकर विदा किया। एक दिन राजकन्या ने अपनी पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने राजकुमार को छोड़कर आपका वरण किया। फिर ब्राह्मण बोला, मैं हे प्राण प्रिय मैं अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथना अनुसार 16 सोमवार का मैंने व्रत किया, उसी के प्रभाव से हथनी ने मुझे वरमाला डाली और तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ। इस व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या बड़ी हैरान हो गई। वह भी पुत्र की कामना से व्रत को किया और उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। लालन पालन अच्छी तरह से किया। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, हे माँ
कौन सा व्रत किया जो हम जैसे पुत्र आपको प्राप्त हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार के व्रत की विधि बताई। पुत्र ने 17 के मनोरथ इस व्रत को पूर्ण करने के लिए जब सुना तो राज अधिकार की पाने की इच्छा से सोमवार का यथाविधि व्रत किया। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसकी राजकन्या के लिए वरण कर लिया। राजा ने भी अपनी बेटी का विवाह से सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख पाया। वृद्ध राजा के न रहने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई संतान नहीं थी। राज्य का उत्तराधिकारी होकर ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो अपनी प्रियतमा से कहा कि तुम पूजा का सामान लेकर शिवालय में आओ, लेकिन वो बात न सुन करके दास दासियों के द्वारा पूजा का सामान भिजवा दिया। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, राजमहल से इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करेगी, इसने मेरा अपमान किया है। इस आकाशवाणी को सुनने के पश्चात राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासद को बुलाकर कहा, मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है, राजा तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य के मंत्री सभासद सभी दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण राज्य मिला था उसी को निकालने की बात कर रहा था, लेकिन कैसे हो सकता था। पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की, उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुख भरे हृदय से भाग्य को कोसती हुई बाहर चली गई। बिना चप्पल जूते फटे वस्त्र भूख से दुखी हृदय से जा रही थी कि अचानक एक बुढ़िया मिली, वह सूत बेचने जा रही थी। रानी की करुण दशा देख कर वह बोली, चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ। और उतार कर गठरी अपने सिर पर रख ली। रानी ने थोड़ी देर बाद आंधी आ गई और बुढ़िया के सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को भगा दिया। इसके बाद रानी तेली के घर गई। शिव जी के कारण तेली के सभी मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को निकाल दिया। बहुत दुखी होकर नदी के किनारे गई, पानी पीने तो जल सूख गया। एक जंगल में गई, वहां पीने गई तो उस नील कमल के समान सुंदर जल में कीड़े पड़ गए। रानी ने फिर भाग्य का दोष देखते हुए देते हुए जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए चाहा तो पत्ते टूटकर गिर गए। बल सरोवर ऐसी दशा देख करके ग्वालों ने जब देखा तो वहां के पास में मंदिर में गुसाई जी रहते थे। गुसाई जी से जाकर के बताया और गुसाई जी ने जब कहा कि लेकर के आओ, जब लेकर के गए तो उसके स्वरूप को देखकर सोचा ये तो कोई कुलीन स्त्री लगती है। पुजारी ने करानी से कहा, पुत्री, मैं अपनी पुत्री के समान तुम्हें रखूंगा, मेरे आश्रम में रहो, तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ, वह आश्रम में रहने लगी। रानी जी भोजन बनाती तो कीड़े पड़ जाती, जल भरकर लाती तो कीड़े पड़ जाती। ये दशा देख करके गोसाई बड़े दुखी हुए, बोले, हे पुत्री, ये कौन से देवता का ऐसा प्रकोप जिससे ऐसी स्थिति है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज जी के पूजन के बहिष्कार की बात कही तो पुजारी जी शिव महाराज जी के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से इस कष्ट से तुम मुक्त हो पाओगी। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्षमा याचना के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार को विधि विधान द्वारा पूजन भगवान शिव का किया। उस पूजा के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत दिन हो गए, ना जाने कहां कहां भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को तलाश करते हुए गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर अपने साथ ले जाने का गुसाई जी से आग्रह किया। गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस नगर लौट आए और राजा को रानी का पता बता दिया। रानी का पता पाकर गुसाई जी के आश्रम में राजा गए और बोले, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वो हमारी धर्म पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से उन्हें मैंने त्याग दिया था और उन्हीं की आज्ञा से मैं उन्हें लेने आया हूँ।
कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गोसाई जी बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल लेकर आया। सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि उत्सव मनाया जाए और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार के व्रत का पालन करते हुए बहुत समय तक भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर माता पार्वती की असीम कृपा से आनंद पूर्वक इस संसार के सभी भोग को करते हुए इस भूलोक पर दान दक्षिणा करते हुए निवास करते रहे। अंत में इस व्रत के प्रभाव से 16 सोमवार के प्रभाव से वो भगवान शिव के लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को करता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बोलो भोलेनाथ शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये।